जैसा कि हम सभी जानते हैं जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है। अगर आप भी श्री कृष्ण जी के लिए व्रत या उपवास रखते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमें जन्माष्टमी के दिन इस सब्जी को ज़रूर खाना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूरा माना जाता है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सागरवंशीज किचन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ककौड़ी की सब्जी की रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन ऑन कर देना। तो चलिए ककौड़े की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ 250 ग्राम ककौड़े ले लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आप मार्केट में ककौड़े खरीदने जाएं तो छोटे छोटे साइज़ के खरीदें और हरे हरे खरीदें। अब इन्हें हम काट लेंगे। एक ककौड़े से हम 4 पीसेस कर लेंगे। आप इसे लंबी साइज़ में काट लें। आप ककौड़े के बीजों को ना फेंकें। ऐसे करके हमने सारे ककौड़े यहाँ काट लिए हैं। अब हम गैस ऑन करके गैस पे कढ़ाई रख देंगे। उसमें हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। यहाँ हम ककौड़े फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके ही बनाएंगे। तेल गरम हो जाने के बाद ककौड़े इसमें डाल दें। अब चला दें। ढककर 10 मिनट के लिए पका लें। अब चेक करेंगे, 10 मिनट हो गए हैं। ककौड़े अच्छी तरह पक चुके हैं। इन्हें हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरह से मैं इसको कढ़ाई से निकाल रही हूँ, आप भी ऐसे निकालें ताकि तेल कढ़ाई में रह जाए। अब इसी तेल में हम मसाला फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। अब 2 हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। इसके बाद हम प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं। तो मैंने 1 बड़ा प्याज काट के उसका पेस्ट बना के यहाँ पर डाल दिया है। पकने देंगे। आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दें। इसे भी अच्छे से पका लें प्याज के साथ। अब मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है आधी चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच, और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब मिला देंगे। मसाला कढ़ाई से लगे नहीं, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें। अब थोड़ा पानी और डाल देंगे, चला लेंगे। 5 मिनट के लिए मसाले को पकाएंगे। जब मसाला अच्छे से पक जाए तब आप इसमें फ्राई किए हुए ककौड़े डाल दें। इन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से मिला लें। अब इन्हें 10 मिनट के लिए ढक के पकाएं। तो आप ढक्कन से इनको ढक दें। जब 10 मिनट हो जाए तो आप चेक करें। देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है।
अब आप थोड़ी धनिया पत्ती इसमें काट के डाल दें। रेसिपी को आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।